जिस तरीके से लगातार हमारी भारत की बेटियों पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, यूपी के अंदर ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बच्चियों के साथ में लगातार बलात्कार हुए हैं, और अभी जो संजलि नामक जो बच्ची है, जो मात्र 15 साल की बच्ची थी, उसको सरेआम उठा करके ले जाना, पेट्रोल डाल करके आग लगा देना, यह हमारे लिए बहुत ही दुखदायी और शर्मनाक बात। हम चाहते हैं, हम सभी युवा चाहते हैं कि आने वाले वक्त में एक ऐसा कानून बने जिसके अंदर जो भी व्यक्ति ऐसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके बिना किसी सुनवाई के उनको सीधा फांसी की सजा दी जाए। ऐसे कानून में अपार्टमेंट्स आने चाहिए, और अब हम सब भारतवर्ष के लोग उठ खड़े हुए हैं, जाग चुके हैं। हम लगातार इन जो कानून के अपार्टमेंट्स हैं, इसकी हम दुहाइयां कर रहे हैं, और अब ये पास होने चाहिए। हम सब लोग आज डाक बंगले से इकट्ठे होकर के बाबा साहब अंबेडकर के सर्किल तक यहाँ आए हैं। कैंडल मार्च निकाल करके हमने हमारी बहन जो कि शहीद हुई है, जिसने शहादत दी है, हम उसको श्रद्धांजलि देने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आगे हमारे भारत की किसी बेटी के साथ में ऐसी दुखदायी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार में हम लोग अपील करते हैं कि ऐसे गुनहगार लोगों को फांसी की सजा तक पहुँचाना चाहिए। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए, और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।